परंतु बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने एक मानचित्र तैयार किया है जिसे ऊर्जा मानचित्र कहा गया है। ऊर्जा मानचित्र, ये ऊर्जा मानचित्र या एनर्जी मैपिंग, यह GIS प्रणाली पर आधारित है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। और ये ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से तैयार किया है। जी हाँ, इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसके वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के जो सचिव हैं वो हैं डॉक्टर के सिवन। तो नीति आयोग और इसरो के सहयोग से, उनकी साझेदारी से एक ऊर्जा मानचित्र तैयार हुआ है। यह ऊर्जा मानचित्र भारत के जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं, जितने भी अलग अलग जिलों में जिलेवार आधार पर जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं, चाहे वो गैर परंपरागत हों, परंपरागत हों, तेल का कुआं हो, गैस का कुआं हो, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो, इन सभी ऊर्जा संस्थानों को एकत्र करके एक पूरा एक समग्र चित्र बनाया गया है जिसे हम ऊर्जा मानचित्र कह रहे हैं। ओके, तो याद रखें जो खास बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। नंबर वन ये कि ऊर्जा मानचित्र किसने तैयार किया है, नीति आयोग ने तैयार किया है, ध्यान रखें। किसके सहयोग से तैयार किया है, इसरो के सहयोग से तैयार किया गया है। और यह कौन सी प्रणाली पर आधारित है, तो ये GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या कहें भौगोलिक सूचना प्रणाली, इस पर आधारित है। ओके, नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग के वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार जी। जो सदस्य हैं उनमें एक नाम आता है VK सारस्वत, और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम हमने नहीं लिखा है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं। ओके, जरूर कमेंट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करें कि ये भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र ये क्या है। भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र यानी कि GIS मैपिंग ये क्या है। यह GIS मैपिंग जो है वो देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है, जहां पर हमें पारंपरिक बिजली संयंत्र, तेल का कुआं, गैस का कुआं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, कोयला क्षेत्र, कोयला ब्लॉक्स, ओके, और जितने भी प्रतिष्ठान हैं ऊर्जा से संबंधित, उन सभी को 27 अलग अलग विषयों के अंतर्गत तो श्रेणीबद्ध किया गया है और मानचित्र तैयार किया गया है। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल और अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता, वो सारी चीजें उसमें बताई जाएगी। याद रखें ये जो मैपिंग है ये जिलेवार है। कैसा है? जिलेवार, भारत के हर एक क्षेत्र में जितने भी जिले हैं उन जिलों के हिसाब से उस पर्टिकुलर जिले में कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हैं, पेट्रोलियम, तेल, कुआं, गैस कुआं, ये सारी चीज़ें, इसकी मैपिंग तैयार की गई है। साथ ही साथ उस मैपिंग में आपको, जैसे ही आप वहां पर पॉइंटर लेके जाएंगे, तो आपको वो वहाँ का संस्थान का नाम भी मिलेगा और उसकी क्षमता भी वहाँ आपको पता चल जाएगी। ओके, उद्देश्य क्या है उस ऊर्जा मानचित्र का? बहुत ही सकारात्मक उद्देश्य है, बिल्कुल सही बात है। कैसे? हमें ऊर्जा उत्पादन और उसका वितरण, इसका एक व्यापक दृष्टिकोण मिल जाएगा इस मैपिंग से। ठीक, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की किसी भी क्षेत्र में, यदि किसी भी क्षेत्र में संकट की स्थिति आ गई या फिर तत्काल प्रभाव से हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ऐसे में ये जो मानचित्र है वो हमें तुरंत उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक साबित होगा। ठीक है, क्योंकि इससे सारे ऊर्जा आंकड़े हमने एकीकृत कर लिए हैं, एक तस्वीर में हमने, एक मैपिंग में हमने जान लिया है किसकी क्या क्षमता है, तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊर्जा संसाधनों को, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, ये ऊर्जा मानचित्र, यहां पर हमने लिंक दे दिया है, इस लिंक के जरिए हम ऊर्जा मानचित्र को देख सकते हैं। ओके, तो ये हुई बात ऊर्जा मानचित्र की, और आगे करंट अफेयर्स जारी रहेंगे। बाकी के करंट अफेयर्स इश्यूज आप द पढ़ंतु टीम के जरिए आपको पता चलती रहेंगी। ये सारी करंट अफेयर्स समसामयिकी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द पढ़ंतु क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, और या तो आप Google Play Store में जाकर के द पढ़ंतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।